हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो विदाउट DSLR के। सो जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर रखा है क्योंकि ये DSLR का यूज कर रहे हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना DSLR यूज करे ही अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो। जैसा कि आप इनकी वीडियोस के अंदर देख सकते हो, इनका बैकग्राउंड ब्लर हुआ है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, सो आप कैसे विदाउट DSLR के अपनी वीडियो को ब्लर कर सकते हो, चाहे वो TikTok की हो, चाहे वो कोई भी वीडियो हो। सो जैसा कि आप इनकी वीडियोस के अंदर देख सकते हो, इनका बैकग्राउंड पीछे ब्लर है। तो मैं बताऊंगा कि आप बिना DSLR के अपने फ़ोन के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैसे कर सकते हो। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे TikTok के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। द रोबिन चावला यूजर नेम है और रोबिन चावला नेम है। सो मुझे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं TikTok के ऊपर। सो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। सो आप एक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अब जान लेते हैं कि उसके बाद क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर ली है और उसे पोस्ट भी कर रखा है। सो अपने रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद उसे पोस्ट कर देना है, उसके बाद उस वीडियो के ऊपर टैप करना है। अब आपने करना यह है कि इस वीडियो को आपने डाउनलोड करना होगा। बट आप इसे यहाँ पर इस सेव वीडियो के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये उस ऐप के अंदर नहीं चलने वाली है जिसके अंदर आप यहां पर उसको सेव करोगे। सो आपने करना यह है कि यहां पर इस 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है अपनी वीडियो के। उसके बाद यहां पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी लिंक का। इस कॉपी लिंक के ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है और उस कॉपी लिंक के ऊपर टैप करने के बाद आपने ओपन करनी पड़ेगी एक ऐप, डाउनलोडर फॉर म्यूजिकली। इसे आप TikTok की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पेस्ट, इस पेस्ट के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पर ये आपकी वीडियो लोड हो जाएगी। सो आपने करना यह है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बिना इस वाटरमार्क के आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आप अपनी वीडियो को डायरेक्टली TikTok से ही सेव करोगे तो वहाँ पर आपका वाटरमार्क दिखाई देगा, साथ ही में वो वीडियो काम भी नहीं करने वाली है। सो आपने इस वे से यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा कि आप बिना वाटरमार्क के कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो उस वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज आप TikTok से डायरेक्टली सेव वीडियो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो वीडियो चलने वाली नहीं है। सो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपने वेट करना है और यहाँ पर आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इस ऐप को भी यहाँ पर बंद कर देना है। अब आपको एक ऐप को ओपन करना पड़ेगा, इसका नाम है KineMaster। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर के ऊपर लिख कर सर्च करेंगे KineMaster तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। सो मैं दिखाता हूँ इसका यूज करके कि इसका यूज अब कैसे करना है। सो आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है KineMaster को। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा कि आप वीडियो को कैसे विदाउट वाटरमार्क के डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप उसी वे से ही डाउनलोड करना। सो लिंक के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जब KineMaster की ऐप ओपन हो जाए तो इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर MPT के ऊपर इसके ऊपर टैप करना है, मीडिया ब्राउजर के ऊपर जाना है। अब आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर आपकी वीडियो सेव हुई है। सो ये इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, डाउनलोडर फॉर म्यूजिकली। इसके ऊपर आपने टैप कर देना है अपनी वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो आ जाएगी। सो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, ये आ चुकी है आपकी वीडियो। अब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, आप इसे सबसे पहले आगे कर देना। सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है इस लेयर के ऊपर। इस लेयर के ऊपर आपने टैप कर देना है। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इफेक्ट का, इस इफेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेसिक इफेक्ट, इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले वाला इफेक्ट दिखने वाला है इसके ऊपर आपने टैप कर देना है। यहाँ पर आपको 2 इफेक्ट दिखाई देंगे, सो इस पहले वाले के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर राइट के ऊपर टिक कर दीजिए। सो ये आ चुका है आपका पहला ब्लर। सो आपने इसको एडजस्ट करना होगा, इस ब्लर को उस जगह के ऊपर लगाना होगा जहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो। सो इसको उस जगह के ऊपर लगा दीजिए जहाँ पर आप अपना बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो। सो यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस क्रॉपिंग के ऊपर, इस क्रॉपिंग के ऊपर टैप कीजिए। इसे मास्क को यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। इस शेप के ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपने उस शेप को सेलेक्ट कर लेना है जिस शेप के अकॉर्डिंग आपका वीडियो का बैकग्राउंड है। सो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक के ऊपर टैप करता हूँ। अब आपने इस ब्लर के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर इसको सेट करना होगा। सो इस वे से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आपने टैप कर देना है। अब इसको यहाँ पर आपने इंक्रीज करना है। सो इसको इंक्रीज करने के बाद पीछे ब्लर भी इंक्रीज हो रहा है, सो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप जितना ब्लर करना चाहे उतना कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। अब फिर से इस ब्लर के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसको सेट करना होगा। आपको इसको उस पोजिशन के अंदर सेट करना होगा जिस
पोजीशन के अनुसार आप वीडियो को अपना ब्लर करना चाहते हैं, सो आप इसको उस पोजीशन के अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस पोजीशन के अंदर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो पीछे ब्लर हो रहा है। अब यहाँ पर स्टिक के आइकन के ऊपर टैप कर देना है और आप चाहे तो इसे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको आप अपनी पूरी वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। अब आपने फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है, फिर से लेयर के ऊपर टैप करना है, फिर से इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, फिर से बेसिक इफेक्ट, फिर से पहले वाले इफेक्ट और इसके ऊपर फिर टिक कर दीजिए। अब ये ब्लर भी आ चुका है। अब आपने वीडियो का जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो सेकंड हिस्सा है ब्लर करने का, जो दूसरा बैकग्राउंड है उसको भी ब्लर कर देना है। आप यहाँ पर इस सेटिंग के ऊपर फिर से टैप कीजिए, इसको इंक्रीज कर दीजिए ताकि यहाँ पर ब्लर भी इंक्रीज हो जाए। सो इसके ऊपर आपने टैप कर देना है टिक के आइकन के ऊपर, इसके ऊपर आपने अब फिर से क्लिक कर देना है। अब जाना है आपने इस क्रॉपिंग के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर मास्क को ओपन करना है, इस शेप के ऊपर टैप करना है। अब आपको फिर से कोई ऐसी शेप को सेट करना होगा जो आपकी वीडियो के अनुसार परफेक्ट हो। सो मैं इसके ऊपर सेट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर टिक के ऊपर टैप कीजिए, उसके बाद इस सेकंड ब्लर के ऊपर फिर से टैप कीजिए। अब यहां पर इसको यहां पर रोटेट कर देना है, उस पोजीशन के अनुसार रोटेट करना है जिस टाइप का वहाँ पर पीछे ब्लर है। आप इसे यहाँ पर फिर से इंक्रीज कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसे फिर से इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना यह है कि आपको, सो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ, सो आपने अपना करना होगा। फिर से इफेक्ट के ऊपर टैप कीजिए, बेसिक इफेक्ट के ऊपर जाइए, फिर से इसके ऊपर टैप कीजिए। अब आपने ऊपर लगा देना है यानी कि आपको सभी हिस्सों को फिल करना होगा। इसके ऊपर इंक्रीज कीजिए अगर आप यहाँ पर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं। सो इसके ऊपर कर दिया क्लिक। सो गाइस मैं सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कुछ टाइम लगाकर आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करते हैं। सो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जहाँ पर आप सेट करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ वे बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने शेयर के आइकन के ऊपर टैप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है सेव वीडियो टू गैलरी के ऊपर, इसके ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसको सेव करना होगा। आप इसे यहाँ पर हाई डेफिनेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी वीडियो सेव हो चुकी है, इसके ऊपर ओके के ऊपर टैप कीजिए। अब आपको एक काम और करना होगा, अब यहाँ पर आपको एक ऐप को और इंस्टॉल करना होगा, इसका नाम है इनशॉट। ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। सो इनशॉट नाम की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहाँ पर उसके बाद जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर वीडियोस के ऊपर टैप कीजिए, यहाँ पर आपने कर देना है न्यू के ऊपर टैप। उसके बाद जो अभी आपने वीडियो को सेव की थी वो आपके सामने आ जाएगी, सो उसके ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के ऊपर, इसका नाम है कैनवस, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है नो फ्रेम के ऊपर। उसके बाद इसे राइट टिक कर देना है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्रॉप, इस क्रॉप के ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक म्यूजिकली का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर यूट्यूब के बाद देख सकते हो 9:16, तो इसके ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने राइट टिक कर देना है, उसके बाद ऊपर सेव के आइकन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कितने साइज के अंदर से सेव करना चाहते हैं उतने साइज के अंदर कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये सेव होना स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पर आपने वेट करना है। सो गाइस यहाँ पर मेरी वीडियो सेव हो चुकी है। सो अब आपने अपना इंटरनेट ओपन कर लेना है, अब आपको इस वीडियो को अपलोड करना होगा। उसके बाद इस अपलोड के आइकन के ऊपर टैप कर दीजिए। आप चाहे तो अपनी टिकटॉक को ओपन करके वहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर वहाँ पर अपलोड लिखा मिलेगा, उसके ऊपर टैप कीजिए और वहाँ पर वीडियो को सेट कर लीजिए। बट यहाँ पर भी आप बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हो, यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है और यहाँ पर आपकी टिकटॉक ओपन हो रही है। सो वेट कीजिए, आप चाहे तो इस प्लस के आइकन। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉर्मल करके दिखाया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। अगर आप इस वीडियो के अंदर देखोगे तो मैंने इतना अच्छा ब्लर करके नहीं दिखाया है, बट आप आसानी से आप ज़्यादा करना चाहते हो या कम करना चाहते हो, मैं सिर्फ डेमो के लिए ही दिखा रहा था, उसके बाद आप इसे पोस्ट कर सकते हो। सो गाइस आप ऐसे करके अपनी वीडियो को ब्लर कर सकते हो। सो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप विदाउट वाटरमार्क के टिकटॉक की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा यहीं से ही इसे डाउनलोड करोगे तो वो वहाँ पर नहीं चलने वाली है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे टिकटॉक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।